सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया के दोस्तों का बहुत बहुत सेट पे वेलकम करता हूँ और मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ कि मेरी खुशी में शामिल होने के लिए, ये यूँ कहूँ कि मेरी टीम की खुशी में शामिल होने के लिए आप लोग यहाँ पे आए, थैंक यू सो मच। आज हम लोग यहाँ पे एक राजकुमारी चंद्रमुखी के आइटम सॉन्ग की और दो गानों का शूट कर रहे हैं। बहुत ही रोमांटिक गाने हैं, बहुत ही जॉली गाने हैं। एक राजकुमारी चंद्रमुखी में गाने गाए हैं, चार गाने हैं टोटल, और उसमें खुशबू जैन जी ने गाया है, उदित नारायण जी ने गाया है, इस पिक्चर के गीतों को अपने सुरों से सजाया है विनोद राठौड़ साहब ने। तो गाने बहुत ही रोमांटिक बने हैं, जैसा कि टाइटल सजेस्ट कर रहा है, एक राजकुमारी चंद्रमुखी। तो ये एक एक्शन थ्रिलर कम्प्लीटली मसाला मूवी है। इसमें आपको कुछ कुछ झलक जो है वो मगा धीरा और बाहुबली के एरा की भी जाएगी। दो जनरेशन्स की कहानी है, रिबर्थ की कहानी है। सनी सर कैप्टन ऑफ द शिप है और जीनियस मैन, मैं खुद बहुत बड़ा उनका फ़ैन हूँ। मैं उनके साथ अभी चार फिल्मों में एज अ मेन लीड काम कर रहा हूँ और फिल्मों की सबसे अच्छी बात यह है कि हमें फिल्म में आशीर्वाद प्राप्त हुआ है शिवा सर का, राजू कुलश्रेष्ठा जी का, हमारी जो हीरोइन है सोनिया ओझा जी, वो भी एक बहुत अच्छी अदाकारा है, राम धवन, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमें ज्वाइन किया है गुंजन पंत ने, जो मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड है और आइटम नंबर वो कर रही हैं। सब जानते हैं कि भोजपुरी में कितना बड़ा नाम है और अपरिचित नाम की एक अभी शक्ति अपरिचित शक्ति मूवी जो कर रही हैं उसमें भी मुझे उनके साथ में काम करने का मौका मिला है। सो वेरी गुड फेसेस, अ कम्प्लीटली ऑल टुगेदर अ डिफरेंट एटमोसफियर, वेरी वाइब्रेटिंग, वेरी पॉजिटिव, सबके चेहरों पर मुस्कान है, तो वेरी गुड। ये खास चॉइस थी मेरे डायरेक्टर मिस्टर सनी कपूर जी की, उन्होंने ही ये गाना शूट करने से पहले सारी प्लानिंग की थी कि हमें इस पर्टिकुलर सॉन्ग में तीन चेंजेस चाहिए और कैसा कैसा लुक उनको चाहिए था, तो उनकी ही प्लानिंग है, तो ये सारे लुक का क्रेडिट उनको जाता है। मुझे लगता है इंसान कभी भी तभी खूबसूरत लगता है जब वो दिल से बहुत अच्छा फील करे, और मैं अपने हमेशा के इंटरव्यूज़ में कहती आई हूँ कि मैं अंदर से बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, सब लोगों के लिए अच्छा सोचती हूँ और मेरे मन में किसी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं आती, तो शायद वो मेरे चेहरे पे झलकती है। और जहाँ तक ब्यूटी केयर की बात है तो मैं नेचुरल जो ट्रीटमेंट होता है उसको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मोर देन यू नो आर्टिफिशियल थिंग्स। आई प्रेफर जो घर के हमारे दादी माँ के नुस्खे होते हैं वो सब मैं ज़्यादा करती हूँ। इट्स अ वेरी स्पाइसी नंबर, बहुत ही एक कह सकते हैं, ये फिल्म एक्चुअली कंप्लीट हो गई है। फिल्म का नाम है एक राजकुमारी चंद्रमुखी, जिसको प्रोड्यूस कर रहे हैं मिस्टर गौरव सिन्हा जी, और वही इसमें हीरो भी हैं, और इसके डायरेक्टर हैं मिस्टर सनी कपूर जी, जिनके साथ मैंने बहुत सारा काम किया हुआ है। अभी उनकी एक फ़िल्म कंप्लीट की मैंने, विच इज़ अपरिचित शक्ति। बहुत अच्छा लगता है ऐसे सेटअप में जब काम करते हैं। और आज का जो गाना है ये इस फिल्म में लगाने वाला है तड़का भड़का, तड़क भड़क मतलब, बिकॉज इट्स आइटम सॉन्ग। गुंजन तो मेरी फेवरेट है, हम लोग काफ़ी सालों से साथ में काम कर रहे हैं, जब भी उनके लायक कोई अच्छा काम आता है तो सबसे पहले मैं उन्हीं को बुलाता हूँ, भले वो सीरियल हो या फिल्म हो। ये कहानी थोड़ी डिफरेंट है, 400 साल पहले शुरू होती है, 400 साल पहले राजा महाराजाओं के ज़माने पर कहानी शुरू होती है। वहाँ पर एक जो चंद्रमुखी होती है उसे और उसके बॉयफ्रेंड को, विलन जो है राजा है उसका बेटा है और उनका दामाद उनकी बेटी, ये सब लोग मिलके मार देते हैं, अलग कर देते हैं। 400 साल बाद वापस वो इस दुनिया में जन्म लेती है आज के युग में, आज के टाइम में, और उन्हें एहसास होता है लड़की को कि हमारा ऐसा ऐसा हुआ था 400 साल पहले की कहानी, उसे याद आती है, वो लड़के को बोलती है, लड़का मानता नहीं है, उसे प्रूफ करती है कि ऐसा हुआ था। फिर दोनों मिलके चारों को ढूंढते हैं, एक एक विलन को और एक एक विलन को मारते हैं। थोड़ी अलग टाइप की मूवी है एक राजकुमारी चंद्रमुखी, जिसके प्रोड्यूसर गौरव सिन्हा और डायरेक्टर मिस्टर सनी कपूर जी हैं। और इसमें मतलब कैसे बोलूँगी, जैसे कि इसमें आपको रोमांस भी मिलेगा, एक्शन भी मिलेगा और सस्पेंस, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें बहुत सारी एक साथ मिलेंगी। प्लैनेट भोजपुरी।